नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे खबरों के अंदर ले चलते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालें आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय पर्चा लीक का मामला अब चढ़ा एसटीएफ के हक है, होगी निरस्त परीक्षाएं 1 और 4 मई को। विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किया अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का एक सदस्य। शासन द्वारा चयनित गांव को मिलने वाली सुविधा के बारे में विकास भवन में संपन्न हुई बैठक। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में नारी गर्जना मंच के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधा संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कुलपति ने मेधावियों को किया सम्मानित। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे मदरसा बोर्ड के चौथे दिन परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की संख्या और हुई कम, 3532 परीक्षार्थियों में से अब तक कुल 934 छोड़ चुके हैं परीक्षाएं। 21 अप्रैल को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह। 25 से 30 अप्रैल के मध्य होगा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के खाते में पुनः धनराशि का हस्तांतरण। आयोजित होगी 30 अप्रैल को पंचम राज्य वित्त आयोग की मंडलीय बैठक, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। सामूहिक विवाह में स्वयं सीएम देंगे जोड़ों को आशीर्वाद, 29 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। और रेलवे जांच अभियान के दौरान पकड़े गए 125 बिना टिकट वाले यात्री, 57,645 रुपए की गई वसूली। अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय के पेपर लीक का मामला अब एसटीएफ के हाथों में आ गया है। आपको बताते चलें कि 2 पेपर पहले ही लीक हो चुके हैं, जिनमें से पहला पेपर गणित और समाजशास्त्र की परीक्षा का निलंबित हो गया, जिसके वजह से हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों से वापस लौटना पड़ा। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण को एसटीएफ को सौंप दिया। इस बारे में कुलपति ने कहा है कि जो परीक्षाएं निरस्त हुई थी वो आगामी 1 मई को समाजशास्त्र की और 4 मई को गणित की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की BA/BSc प्रथम वर्ष गणित प्रथम प्रश्न पत्र के लीक होने के प्रकरण में अब जांच एसटीएफ करेगी। आज विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुरोध पर शासन ने यह जांच विशेष एजेंसी को सौंप दी, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि जो स्थगित परीक्षाएं थीं, जो सोमवार को 2 पालियों में परीक्षाएं होनी थीं और जो लीक प्रकरण के अंदेशे में स्थगित कर दी गई थी, उसके लिए भी आज विशेष समिति ने, परीक्षा समिति ने नई तारीखों की घोषणा कर दी है। समाजशास्त्र की परीक्षा जो BA द्वितीय वर्ष की होनी थी वो अब 1 मई को सायं सत्र में होगी, और जो गणित का पर्चा जो स्थगित किया गया था लीक होने के चलते, वो अब 4 मई को सुबह की पाली में होगी। इसके अलावा आज विश्वविद्यालय द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने भी जो केंद्रों से मंगाए गए पैकेट हैं उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, और कुलपति के निर्देश पर इस विशेष जांच समिति ने अपनी जांच को एसटीएफ के साथ कोऑर्डिनेट किया है। अब आने वाले समय में दोनों एजेंसीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। देखिए, जो पिछले 2 जो ऐसे प्रसंग हैं जो वायरल हुए थे, जैसे मंगलवार को सोशियोलॉजी का पर्चा, ये बताया गया कि ये भी सोमवार को ही सोशियोलॉजी का पर्चा बताया गया कि वायरल हो गया, हालांकि वो जांच में पाया गया कि वो पुराने वर्ष का पर्चा था, वो इस वर्ष का पर्चा नहीं था। आज दोपहर में 11:30 के करीब कुछ समाचार माध्यमों में एक और हैंड रिटन पर्चा ये कह के प्रचारित किया गया कि आज दोपहर जो परीक्षा होने वाली है BCom की, BCom प्रथम वर्ष की, ये उसका पर्चा है। लड़कों का एक समूह
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में भी पहुंचा और उसने मांग की, उसने बल्कि आरोप लगाया कि शहर के एक कॉलेज से ये लीक हो रहा है। और जब जैसे ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया, वो लड़के वहाँ से निकल गए। तो कुल मिला के ऐसी घटनाओं से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक इस तरीके की भी कोशिश है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाए या छात्रों और अभिभावकों में अफरा तफरी पैदा करने की भी कोशिश की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले भी ये बात स्पष्ट की है कि संदेह के वातावरण में परीक्षा कराने की बजाय वो स्थगित करना ज़्यादा उचित समझता है और इसी आधार पर दो पर्चे स्थगित किए गए थे। उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले एक से दो दिन में ये जाँच किसी नतीजे तक पहुँच जाएगी। बीते दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले शास्त्री चौक पर मोबाइल की दुकान में चोरी और साथ ही शाहपुर थाना क्षेत्र के रेमंड शोरूम और मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरी करने वाले के संबंध में क्राइम ब्रांच शाहपुर पुलिस और कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक चोर को गिरफ्तार किया है। इसका नाम जाकिर हुसैन, निवासी ग्राम बहेरी, थाना बरगनिया, जिला सीतामढ़ी, बिहार का रहने वाला है। अभियुक्त के पास से चोरी का एक लैपटॉप, 22 मोबाइल और 12 मोबाइल की बैटरियां बरामद हुई हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्य भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच कर रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी में लगी पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया, विगत मार्च माह में शहर क्षेत्र में कोतवाली थाना क्षेत्र में, शाहपुर थाना क्षेत्र में दुकानों का शटर तोड़ के तीन बड़ी बड़ी चोरियां की गई थी। एक छोटी शास्त्री चौक पे मोबाइल की दुकान में हुई थी, जिसमें लगभग 36 मोबाइल के उनके मोबाइल चोरी किए गए थे। और उसी के एक सप्ताह के बाद शाहपुर थाना क्षेत्र में रेमंड का शोरूम, उसके बगल में कामता मेडिकल स्टोर, चश्मे की दुकान थी, वहाँ पर शटर काट के चोरी की गई थी और वहाँ से चोर कैश ले गए। यह सनसनीखेज वारदातें लगभग शहर क्षेत्र में 4 से 5 बजे के बीच में की जा रही है और इस घटना को चुनौती मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ क्राइम, सीओ गोरखनाथ और सीओ कोतवाली के पर्यवेक्षण में कोतवाली और शाहपुर की टीमों को लगाया था और इंस्पेक्टर साहब और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम इस काम की पता रसी फलाग रसी में लगी हुई थी। इसी बीच में इस गैंग का एक व्यक्ति बिहार में गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से चोरी के 22 मोबाइल, 12 बैटरी और एक अदर लैपटॉप बरामद हुआ है। इस गैंग में लगभग दर्जन भर सदस्य हैं। एक आदमी के हिस्से में जो सामान मिला था उसकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी गैंग के सदस्यों के नाम प्रकाश में आ गए हैं। सिख रेम की गिरफ्तारी करने के बाद शेष सामान की बरामदगी की। महोदय ने जो टीम बिहार में जाके गिरफ्तार करके लाई है इस गैंग के सदस्यों को, उसको 15,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। सर कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई है? नहीं, अभी गैंग के सदस्य के बोले गिरफ्तार हुआ, जिसके हिस्से में सामान आया था। गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान ग्राम स्वराज अभियान के तहत कुल 105 गांवों को स्वच्छ मकान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयनित कुल 86 गांव और राज्य सरकार द्वारा कुल चयनित 19 गांवों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में एक बैठक विकास भवन में आयोजित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे उप सचिव कृषि मंत्रालय भारत सरकार पीएन शुक्ला और अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार आरएस वर्मा को ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत चयनित गांव को अब तक क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और क्या क्या सुविधाएं बाकी रह गई हैं, इसके बारे में विभाग से संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में मुख्य रूप से अधिशासी अभियंता सतीश चंद्र, डीपीआरओ हिमांशु शेखर, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सतीश चंद्र, इंडियन ऑयल से संबंधित अधिकारी शिवेंद्र, एडीओ डीएन यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए उप सचिव कृषि मंत्रालय भारत सरकार पीएन शुक्ला ने बताया, आपके रेडियो साहब ने बताया था कभी शायद फसल बीमा योजना नहीं चली, सर इसके संबंध में बताया गया था गवर्नमेंट की टीम और अंदर किसान दिवस का तो दीदी साहब बताया थी पता नहीं चल रहा सब चीज जमा चालू है। हां, डेली बेसिस पे प्रतिदिन की आपने कितना बनाया यूपी 105 गांव में? हां सर, सर सर आप दीजिए। हां प्रणाम सर।
एंट्री कर दी है सर। नहीं सर, इन चारों के प्रधानों को एंट्री करना होता है, एंट्री क्या ठीक है उनको ठीक है, इस तरह से लगाना पहले सूचित करना है, जो ये जो हमारे भारत सरकार से आए हुए हैं उनको सूचित करना है, पहले आपको सैनिक मार्ग देना है कि इस दसवां में इस तारीख को लगेगा, इस दसवां में उज्ज्वला योजना के लिए भी काफी सभी लोग और दूसरा ये पूरे कार्यक्रम पूरे 5 मई तक का अगर दे देंगे आपको तो ये होगा जहाँ पर हम लोग की जो बिजली होगी सिर्फ घुमा है अच्छा। दूसरा ये सर्वे में ये लेकिन आपको देखना है कि पात्र है कि नहीं पात्र है, पात्र वो कैंप लगाकर उसको देखना सिंपल सर्वे कराया है हाँ नहीं का, और वो जो आपका दोनों बीमा है उसमें उसकी एलिजिबिलिटी है, कोई भी हो सकता है, एबीएम भी हो सकता है जी सर, जो आपका बीमा योजना जी जी दोनों में हो सकता है, कोई कोई भी ये जो भी है वो ऐसे में है कि हमारे यहाँ अकाउंट होना जो है सब सब दो तरह का बीमा है, 12 रुपये का 1300 1300 12 रुपये वाला तो ज़्यादा पॉपुलर है सर, तो सब लोग थोड़ा पैसे करना पड़ता है ज़्यादा, मार्केटिंग इसका थोड़ा टफ 330 भी कुछ भी नहीं सारा कुछ मिलाकर भी 90 पैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। हम लोग के यहाँ जो भी हम लोग जनधन अकाउंट अकाउंट खुला है वो सर ऑपरेशन उसमें 22 दिवस का जीरो बैलेंस पड़ा है, कुछ लोग को गलत समझी थी कि खाता खोलने के बाद 5000 रुपीज या कुछ मिलने वाला है, इसीलिए उन्होंने खोल दिया ओवर टाइम, और इस कारण से जो हम लोग के 1 लाख का जो वित्त कार्ड में इंश्योरेंस है जब तक आप एक्टिवेट ना करोगे तब तक बनता नहीं, उसके लिए भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, एक्टिवेशन हो जाए कार्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ की बैठक कैसे किया गया ये जो अभी ग्राम स्वराज अभियान में जो 86 गांव यहां पर चिन्हित हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा और 19 गांव चिन्हित हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या प्रगति हो रही है और कैसे कैसे उसकी मॉनिटरिंग होनी है, पूरा आच्छादन कैसे होगा इसके बारे में वही समीक्षा बैठक है और उसकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। देश भर में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार जिसमें हत्या बलात्कार जैसे जघन्य कांड शामिल हैं, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नारी गर्चना मंच के सदस्यों द्वारा गुरुवार को चेतना तिराहे से जस्टिस फॉर ह्यूमन जागरूकता मशाल जुलूस निकाली गई। ये जुलूस चेतना तिराहा से होकर कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर समाप्त हो गई, जहां मंच के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर नारियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने का संकल्प लिया। इसके पूर्व मंच द्वारा चेतना तिराहे पर एक सभा भी आयोजित की गई जिसमें मंच के सदस्यों ने नारी अत्याचार के विरोध में अपनी अपनी आवाजें बुलंद की। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा श्रीवास्तव, प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा सिंह, प्रांत संगठन मंत्री कमल नयन, अमित द्विवेदी, आशा प्रियंका दिव्या सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आ गया है जब माताओं को या मीडिया पे हम देखते हैं कि हत्या का वीडियो है, बलात्कार का वीडियो है, तमाम ऐसी अमानवीय चीजों के वीडियो है जो नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था क्या वो कुछ और करने में सक्षम नहीं था? जितने देर में उसने वीडियो बनाया क्या उसे पुलिस को सूचना नहीं देनी चाहिए थी? जितने लोग तमाशाई हैं क्या वो एक हत्यारे की हत्या नहीं कर सकते? वीडियो बनाने से दुनिया नहीं बदलती है।
करती हैं, लेकिन घटना हो जाने के बाद दुनिया को संस्कारित करने का काम, परिवारों को संस्कारित करने का काम, राह चलते लोगों को संस्कारित करने का काम, ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति में स्त्री तत्व होता है और पुरुष तत्व होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में दोनों तत्व होते हैं, और जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, जब पुरुष जरूरत से ज्यादा पुरुष हो जाता है तो वो भी अनुचित होता है, जब स्त्री जरूरत से ज्यादा स्त्री हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। जरूरी नहीं कि जब जब आपकी निगाह झुकाए आपको देवी ही माना जाए, आपको कमजोर भी माना जा सकता है। इसलिए महलों से वनवास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई, और उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जब मुझे आकाश तलक ले आई। उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधा संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के संवाद भवन में इस आयोजन को करते हुए इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, डॉक्टर छाया रानी सिंह, ओमकेश मिश्रा सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। समारोह के दौरान कुलपति ने डेलीगेसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भेंट करके सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने प्रतिभागियों की उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। सर आप लोग भी आ जाए साथ में, सर आ जाइए सभी। उस परंपरागत तस्वीर में थोड़ा सा ये बदलाव आ रहा था,
स्टूडेंट को हम कैसे स्किल करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कुछ कोशिशें कैंपस से हो सके। बहुत सारे विश्वविद्यालय में परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ में व्यक्तिगत रूप से जाने का भी मौका मिला। ग्रेजुएट लेवल पर अपने जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की ओर अगर आप देखें तो वो 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन लेवल में ही अपने स्टूडेंट को उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के ठीक बाद पश्चात उसके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं रहता है। और उसी के बदलाव में अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि विभाषक उच्च शिक्षण संस्थाओं को जो स्वायत्तता दी गई जिसकी वजह से ऐसी दाखिली 2003 से शुरू मेघा के द्वारा जो प्रमुख रूप से इन तीन अतिथियों में जो महत्वपूर्ण रहा कैंपस के लिए जो कि यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित जनों के समक्ष मैं बैठना चाहूंगा कि कुल 844 पंजीकरण हुए विश्वविद्यालय के बीए बीएससी और बीकॉम के छात्रों के, जिसके 714 सर्टिफिकेट्स मिले जिन्होंने कोर्सेज अपने पूरे किए और 2015 से 18 के बीच में 152 इंटर्नशिप की यहाँ के छात्र छात्राओं ने विभिन्न राजनीतिक संगठनों के साथ, जिसमें से 34 को प्लेसमेंट मिला। इस 3 साल का जो सफर रहा उस सफर रहा केंद्रों में चल रहे मदरसा बोर्ड की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या नकल के वजह से धीरे धीरे घटती जा रही है। गुरुवार को अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज में द्वितीय पाली की मदरसा बोर्ड परीक्षा में कुल 86 परीक्षार्थियों में से 63 ही उपस्थित रहे, जबकि 23 परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ दिए। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मदरसा बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराए जाने के लिए परीक्षा सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच संचालित की जा रही है, जिसकी वजह से परीक्षार्थी अब मनमानी नहीं कर पा रहे और परीक्षा छोड़ देना ही बेहतर समझ रहे हैं। Thank you.
गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानाचार्य अयोध्या दास इंटर कॉलेज के रेमी यादव और परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने कहा, आदि मर्दी मदरसा बोर्ड क्या रहा पेपर कौन सा था? पेपर नसर नसर कैसा रहा पेपर? फैंटास्टिक। कैसा है इंतजाम? वेरी नाइस। क्या नाम है आपको? फरजाना। बहुत अच्छा पेपर आया। क्या नाम है आपका? मदरसा बोर्ड की परीक्षा जो है 16 तारीख से प्रारंभ है और आज सेकंड मीटिंग की परीक्षा में इंटर और बीए के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित थी। इसमें कुल पंजीकृत बच्चे 86 थे, जिसमें 63 बच्चे उपस्थित हैं और 23 बच्चे एबसेंट हैं। चूँकि परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के सामने हो रही है तो इससे बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि जिले के कुल 10 केंद्रों पर चल रहे मदरसा बोर्ड की परीक्षा में शामिल कुल 3532 परीक्षार्थियों में से अब तक कुल 934 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, सूचना है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह आगामी 21 अप्रैल को सायं 5 बजे जनपद में आएंगे। 7 बजे से ग्राम स्वराज अभियान विकासखंड चारगांव में ग्राम बिसिनपुरवा ग्राम में चौपाल लगाएंगे। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर में चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस चौपाल कार्यक्रम में मंत्री धर्मपाल सिंह ग्राम बिसिनपुरवा में नाली खड़ंजे के निर्माण की स्थिति, स्वच्छ शौचालय, पंचायत घर, स्कूल, बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, उज्ज्वला योजना कनेक्शन के वितरण की स्थिति, स्वराज विभाग संबंधित अमल दरामद, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने की स्थिति, स्कूल चलो अभियान की स्थिति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के बारे में, ग्राम में इंडिया मार्का का हैंडपंप, चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी, ग्राम में गेहूं क्रय केंद्र की स्थिति के बारे में जानकारी, कानून एवं व्यवस्था एवं ग्राम की शांति व्यवस्था की स्थिति, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना की स्थिति बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक पूर्व दशम दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 और 18 में छात्र छात्राओं के खाते में PFMS पोर्टल के माध्यम से धनराशि भेजी गई थी, जिसमें से पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के कुल 30 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के 120 तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत कुल 62 छात्र छात्राओं के बैंक खाते निष्क्रिय होने और अन्य तकनीकी कारणों से ट्रांजैक्शन फेल हो गया। छात्र छात्राओं के खाते में पुनः धनराशि आंतरित कराए जाने की कार्रवाई 25 से 30 अप्रैल के मध्य निदेशालय स्तर पर की जाएगी। जिन छात्र छात्राओं का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है वो अपने खातों को संचालित रखें। ये जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने दी। चलिए ब्रेक में जाने से पहले दोबारा नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय पर्चा लीक का मामला अब चढ़ा एसटीएफ के हक है, होगी निरस्त परीक्षाएं 1 और 4 मई को। विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किया अंतरराज्यीय चोरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का एक सदस्य। शासन द्वारा चयनित गांव को मिलने वाली सुविधा के बारे में विकास भवन में संपन्न हुई बैठक। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में नारी गर्जना मंच के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधा संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कुलपति ने मेधावियों को किया सम्मानित। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे मदरसा बोर्ड के चौथे दिन परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की संख्या और हुई कम, 3532 परीक्षार्थियों में से अब तक कुल 934 छोड़ चुके हैं परीक्षाएं। 21 अप्रैल को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह।
25 से 30 अप्रैल के मध्य होगा। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के खाते में पुनः धनराशि का हस्तांतरण आयोजित होगी। 30 अप्रैल को पंचम राज्य वित्त आयोग की मंडलीय बैठक, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। सामूहिक विवाह में स्वयं सीएम देंगे जोड़ों को आशीर्वाद, 29 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। और रेलवे जांच अभियान के दौरान पकड़े गए 125 बिना टिकट वाले यात्री, 57,645 रुपए की गई वसूली। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचम राज्य वित्त आयोग की मंडली बैठक आगामी 23 अप्रैल को मंडलायुक्त सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक दो सत्रों में होगी, जिसे पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्रा संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में गोरखपुर बस्ती मंडल के कुल 7 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम पंचायत प्रधान कुल 35 प्रतिभागी रहेंगे। दूसरे सत्र में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के कुल 37 अध्यक्ष शामिल रहेंगे। बैठक में संयुक्त निदेशक पंचम वित्त आयोग बैठक के उद्देश्यों की जानकारी देंगे। दोनों मंडलों के आयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आगामी 29 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह में विवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये जानकारी श्रम विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली सामूहिक विवाह के विभाग ने दी है। उत्तर प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कुल 590 श्रमिकों का चयन करके उनका सत्यापन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के निर्देशन में श्रम एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम संबंधी तैयारियों पर चर्चा की। सहायक श्रम आयुक्त बीके श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर मंडल के चारों जिलों में विवाह योग्य श्रमिकों का चयन किया जाएगा, जिसका सत्यापन श्रम अधिकारियों द्वारा तहसील द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अवगत कराया कि इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मुख्यमंत्री से सहमत ले ली गई है। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसमें विवाह करने के लिए पंडित पादरी और काजी की व्यवस्था भी की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक शिवराज सिंह के निर्देशन में ट्रेनों में लगातार टिकट जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कुल 125 बिना टिकट वाले यात्रियों से किराया और जुर्माने के रूप में 57,645 रुपए रेल राजस्व की वसूली की गई। अभियान के दौरान 46 बिना टिकट वाले यात्रियों को किराया एवं जुर्माना अदा न करने के कारण रेलवे मजिस्ट्रेट सोनपुर के समक्ष अभियोजित कर ट्रायल हेतु पेश कर दिया गया, जिन्हें किराया व जुर्माना अदा करने के उपरांत छोड़ भी दिया गया। चलने के पहले फिर नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय पर्चा लीक का मामला अब चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, होगी निरस्त परीक्षाएं 1 और 4 मई को। विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किया अंतरराज्यीय चोरों के गैंग का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का एक सदस्य।
शासन द्वारा चयनित गांव को मिलने वाली सुविधा के बारे में विकास भवन में संपन्न हुई बैठक। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में नारी गर्जना मंच के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधा संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कुलपति ने मेधावियों को किया सम्मानित। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे मदरसा बोर्ड के चौथे दिन परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की संख्या और हुई कम। 3532 परीक्षार्थियों में से अब तक कुल 934 छोड़ चुके हैं परीक्षाएं। 21 अप्रैल को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह। 25 से 30 अप्रैल के मध्य होगा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के खाते में पुनः धनराशि का हस्तांतरण। आयोजित होगी 30 अप्रैल को पंचम राज्य वित्त आयोग की मंडलीय बैठक, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। सामूहिक विवाह में स्वयं सीएम देंगे जोड़ों को आशीर्वाद, 29 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। और रेलवे जांच अभियान के दौरान पकड़े गए 125 बिना टिकट वाले यात्री, 57,645 रुपए की गई वसूली। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।